नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट का जल्दी ही शिलान्यास होने वाला है और शिलान्यास से पहले जेवर एयरपोर्ट में निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। निर्माण कार्य करने वाली कंपनी को इसकी मंजूरी मिल चुकी है। जेवर एयरपोर्ट का मास्टर प्लान प्राधिकरण पास कर चुकी है और क्या हो रहा है जेवर एयरपोर्ट की न्यूज अपडेट, साथ में यमुना विकास प्राधिकरण की न्यूज अपडेट लगातार देखते रहें जागो हिंदुस्तान। जो साथी चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको जेवर एयरपोर्ट, न्यू नोएडा, नया ग्रेटर नोएडा, टप्पलवाज नारबन सेंटर, फिल्म सिटी की खबरें लगातार मिलती रहें। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मास्टर प्लान पास हो गया है। यमुना विकास प्राधिकरण ने इसे पास कर दिया है। अब कभी भी एयरपोर्ट निर्माता कंपनी ज्यूरिख इस पर निर्माण कार्य शुरू कर सकती है। जेवर एयरपोर्ट का मास्टर प्लान हालांकि अभी न्याल यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के बोर्ड में भी पास होगा, इसके बाद कभी भी निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन भारत की कंपनी न्याल यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड देखेगी, वहीं ज्यूरिख की कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड जेवर एयरपोर्ट का संचालन और निर्माण कार्य करेगी। अब इस कंपनी को एयरपोर्ट की जमीन पर निर्माण कार्य करने की अनुमति मिल गई है। पहले चरण में 1334 हेक्टेयर जमीन विकासकर्ता कंपनी के नाम दर्ज हो गई है। अब यह कंपनी कभी भी जेवर एयरपोर्ट की जमीन पर बाउंड्री और जमीन को समतलीकरण करने का काम शुरू कर सकती है। एयरपोर्ट निर्माता कंपनी पहले ही जेवर एयरपोर्ट की जमीन का सर्वे कर चुकी है। हवाई सर्वे हो चुका है और जमीनी सर्वे भी हो चुका है। अब कभी भी निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। अगस्त माह में 22 से 25 अगस्त के बीच कभी भी जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के पीएम नरेंद्र मोदी संयुक्त रूप से करेंगे। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन खास बात यह है कि शिलान्यास से पहले ही एयरपोर्ट निर्माता कंपनी कभी भी एयरपोर्ट की जमीन पर निर्माण कार्य शुरू कर सकती है। एयरपोर्ट की जमीन पर सबसे पहले निर्माण कार्य जमीन को समतलीकरण करने का होगा। उसके बाद एयरपोर्ट की 17 किलोमीटर लंबी बाउंड्री की जाएगी। 17 किलोमीटर लंबा और 2 से लेकर 4 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में लगभग 1334 हेक्टेयर जमीन पर पहला चरण है जेवर एयरपोर्ट का। जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण पर 29,500 करोड़ रुपए का खर्चा किया जा रहा है। एयरपोर्ट के विस्थापित 7 गांव के 3,000 से अधिक परिवारों को जेवर बांगर में बसा दिया गया है। यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर 21 में 1,000 एकड़ पर बनने वाली वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी के निर्माण की भी तैयारियां शुरू की जा रही हैं। जल्दी ही इसका टेंडर निकाला जाएगा। इससे पहले बुधवार को लखनऊ में फिल्म सिटी की DPR पर मोहर लगेगी। दोस्तों, यमुना विकास प्राधिकरण, जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, न्यू नोएडा, न्यू ग्रेटर नोएडा, टप्पलवाजना अर्बन सेंटर और राया मथुरा अर्बन सेंटर की खबरें लगातार आप देख सकते हैं जागो हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर। जो साथी हमारे नए हैं चैनल पर उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि लगातार आपको हमारे चैनल की न्यूज अपडेट मिलती रहें। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, नमस्कार।